नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसटीएफ है वो रविवार को अचानक गुजरात की साबरमती जेल पहुंची। उसके साथ व्हीकल्स का पूरा काफिला है। वहाँ से वो कुछ ही समय में अतीक अहमद को लेकर के निकलेगी और ये सड़क मार्ग से लाया जा रहा है अतीक अहमद को, तीन राज्यों की सीमा से होकर के, सड़कों से होकर के ये टीम गुजरने वाली है और 26 से 28 घंटे इसको प्रयागराज पहुंचने में लगेंगे। ये भी जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस 28 मार्च को अदालत में पेश करेगी। और अदालत भी कौन सी अदालत है? एमपी एमएलए फास्ट कोर्ट। 2006 में अतीक अहमद ने उमेश पाल को, जो राजू पाल हत्याकांड में गवाह रहे हैं और जिनकी इनके 13 शूटर्स ने प्रयागराज में हाल में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इनके दो शूटर तो अब तक ढेर हो चुके हैं। एक को आज सुबह गोली लगी है, उसने सरेंडर किया है। अतीक की बीवी भागी हुई है, इनका बेटा छुपा हुआ है, इनका भाई भी पुलिस के निशाने पर है, गिरफ्तारी के लिए दबिशें चल रही हैं। और अतीक अहमद को लाया इसलिए जा रहा है कि जो राजू पाल की हत्या हुई थी बीएसपी के एमएलए की, उसमें जिस उमेश पाल की इन्होंने हाल में हत्या कराई है वो उमेश पाल गवाह थे और उसका अपहरण कर लिया गया था अतीक अहमद के गुंडों के द्वारा। अपहरण करके उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि अपने पक्ष में इन लोगों ने उससे गवाही दिलवा ली। अब वो जो अपहरण का केस था वो तो चल रहा था, 2006 के बाद से ही चल रहा था, उसमें अभी हुई है और 28 मार्च को उसमें फैसला आना है। तो जब फैसला आता है कोर्ट का, तब जो अभियुक्त है, जो एक्यूज है, उसका अदालत में मौजूद रहना, उपस्थित रहना जरूरी होता है। तो अतीक अहमद जो है उसको लाया जा रहा है और काफी समय पहले से ये जानकारी मिल रही थी कि अतीक अहमद को योगी सरकार उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी कर रही है। अब लाने की तैयारी कर रही है, उसी समय से तमाम तरह की चर्चाएं भी तो शुरू हो चुकी थी। और ये चर्चाएं क्या थी? चर्चाएं थी कि विकास दुबे की तरह कहीं इनकी भी गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी किसी जगह पर। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके जवाब तो कोई नहीं दे सकता। नहीं, और गाड़ी पलटेगी नहीं पलटेगी, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, तीन राज्यों से होकर के गुजरने वाली है और साबरमती से अहमदाबाद, अहमदाबाद से इनको कहाँ कहाँ से लेकर के आया जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये गुजरात के बाद राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में जाएंगे, मध्य प्रदेश के बाद ये झांसी से बांदा होते हुए प्रयागराज लाए जाएंगे। तो ये लंबा रूट है और लंबा, इसमें अहमदाबाद के बाद बड़ौदरा पड़ेगा, झाबुआ पड़ेगा, उज्जैन पड़ेगा, भोपाल पड़ेगा, सतना पड़ेगा, चित्रकूट पड़ेगा, फिर बांदा, और बांदा के बाद ये प्रयागराज लाए जाएंगे।
तो ऐसे में जाहिर है इनको 28 तारीख को अगर पेश किया जाना है, 28 मार्च को अगर पेश किया जाना है, तो 27 मार्च को यानी कल किसी समय देर रात तक ये पहुंच जाएंगे प्रयागराज और 28 को पेश कर दिया जाएगा। अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जैसे ही ये जानकारी मिली लोगों को कि अतीक को सड़क मार्ग से लाया जा रहा है, तो तमाम तरह की टीका टिप्पणियाँ भी शुरू हो गई हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज, उनका तो कहना है कि ये गाड़ी पलटेगी नहीं पलटेगी वो तो बाद की बात है, लेकिन ये तो नियम है ना कि अगर किसी अभियुक्त के खिलाफ कोई केस चल रहा है, सुनवाई पूरी हो गई है, तो उसको कोर्ट में पेश किया जाए जिस दिन फैसला आए। इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको लेकर के प्रयागराज आ रही है। ये जो अतीक अहमद है, ये किस तरह का माफिया रहा है, किस तरह का इसका आतंक रहा है, और इसने लोगों का किस तरीके से जीना दूभर कर रखा था, ये किसी से दबा छिपा नहीं है। और ऐसे समय जबकि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ किस लिए जाने जाते हैं ये तो अब मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। जो भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करता है, दंगा फसाद फैलाने की, अराजकता पैदा करने की, सरे आम लोगों को मरवा देने की, ऐसे लोगों का वो क्या अंजाम करते रहे हैं, ये अतीत की कई घटनाओं से हमें पता चलता है। और मैं कहता हूं कि उनका व्हीकल पलटे या नहीं पलटे, अगर अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि केवल अतीक नहीं, उसके पूरे परिवार और खानदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि उमेश पाल की जो हत्या हुई है दिन दहाड़े, उसकी प्लानिंग अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बैठ करके बनाई। इसको अंजाम देने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी शाइस्ता को सौंपी, जो खुद अंडरग्राउंड है इस समय। और शाइस्ता ने जितने शूटर थे और अतीक का जो बेटा है, अतीक का जो भाई है, इन सब से मिलकर के इस साजिश को अंजाम दिया, जमीन पर उतारने का काम किया। तो ये सारे के सारे बहुत जल्दी या तो कानून के शिकंजे में होंगे, या फिर इनमें से कई का ऊपर का टिकट कट जाएगा। और वहाँ जाने का तो कोई पैसा लगता लगाता नहीं है। अब अखिलेश यादव जो इनके शुभचिंतक रहे हैं, उन्होंने भी कई तरह की बातें कहनी शुरू कर दी हैं। योगी सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपको याद होगा सदन में इन्होंने उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद के गैंग को लेकर के योगी सरकार को किस तरीके से घेरने की कोशिश की थी, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ इन पर भड़के थे। योगी सरकार के कई मंत्रियों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। कई मंत्रियों ने भी अतीक अहमद की गाड़ी पलटने की बात कही थी। तो ऐसी स्थिति में तमाम तरह की चर्चाएं इस समय शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जेल में इस समय, साबरमती जेल में इस समय औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। वहां से एसटीएफ की जो टीम है वो लेकर के किसी भी समय प्रयागराज के लिए रवाना हो सकती है। तो ये एक शुभ सूचना थी आप लोगों के लिए, सोचा कि इसको शेयर किया जाए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये चैनल और इसका कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।